नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी, हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शेषफल व्लॉग पर। और जी, ये है मॉर्निंग की क्लिप, मतलब वीडियो की शुरुआत मॉर्निंग से हुई है। और मैं बनाऊंगी एक चाट, तो उसके लिए मसाला बना रही थी। थोड़ा सा काला नमक लिया है, अजवाइन ली है, जीरा लिया है, थोड़ा सा हींग और साबुत धनिया, उन सबको भून करके पीस लिया है मैंने। और ये देखो, ये जो मटरा होती है ना, इसको मैंने उबाल लिया था, आलू डाल करके उबाल दिया था मैंने इसको। अब मैंने इसके अंदर डाला है काट करके प्याज, टमाटर, और ये है इमली का पानी। और मैंने नमक डाल करके उबाला था और बहुत ही अच्छी बनी थी चाट खाने में ना, क्योंकि और ये मसाला जो मैंने अभी पीसा है ये मैंने डाल दिया है। और इस मसाले में ना मैंने दो सूखी मिर्ची भी ली थी, लाल वाली, तो वही मैंने पीस दी थी साथ में ही। अभी मैंने पीछे ना वो बनाए थे छोले भटूरे, तो सोना बोली कि मेरे को ना वो खाने थे जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, यानी कि उसे कुलचे खाने थे, भटूरे नहीं खाने थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन ये वाली चाट भी बना करके देखेंगे। तो वैसे तो हम इसे बचपन में खाते थे, मम्मी हमारी मम्मी बनाती थी, लेकिन वैसे ना जैसे सब्जी बनाते हैं ना वो स्टेप से बनाती थी, कि इसको आलू के साथ छोंक देती थी मटरा को ना, और हमें तो वही चाट अच्छी लगती थी। वैसे ही मेरे को छोले कुलचे पसंद नहीं आते हैं इसलिए, और मैं नहीं खाती हूँ, बहुत ही कम खाती हूँ मैं तो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची को ना पीस के रखा हुआ है, तो थी नहीं साबुत तो कि काट के डालती, तो मैंने कहा चलो पेस्ट ही डाल देती हूँ, इसलिए मैंने कम डाला है, कहीं तीखी ना हो ना इसलिए। और थोड़ा सा नमक डाल दिया ऊपर से, तो खाने में अच्छी लग रही थी, बच्चों को भी पसंद आई खाने में, और इसके पापा को भी पसंद आई। और कुलचे मुझे बनाने नहीं आते, तो कुलचे हमने बाज़ार से मंगवाए हैं। वैसे मैंने और इन्होंने तो रोटी के साथ ही खाए थे, ये हम लोगों ने कुलचे नहीं खाए, मैंने और उन्होंने रोटी खाई थी, लेकिन बच्चे बोले कि नहीं हम नहीं खाएंगे, हमें तो कुलचे ही खाने हैं। तो फिर ये गए बाहर और फिर लेकर के आए कुलचे। तो यहाँ पर ये मैं खाना लगा रही थी अपनी सास का ना, तो उनके लिए लगा रही हूँ, वो भी रोटी के साथ ही खाएंगी इसलिए। और ये देखो, सोना घुसी हुई है पलंग के नीचे और उसने फ़ोन चला रखा था, इसलिए फिर मुझे ना म्यूट करना पड़ा। और ये कुलचे लेकर के आ गए थे, तो अब मैं बच्चों को कुलचे दूंगी सेक करके, क्योंकि बच्चे बोले नहीं सेक करके दो, जैसे रेडी वाला देता है उस टाइप से ही। तो मैंने कहा चलो सेक देते हैं, तो चलो सेकते हैं, फिर बच्चों को देते हैं खाने के लिए कुलचे। तवे पर रखेगी, देखो ये ना हाथ में लगाते, सोना आप अभी नीचे लेटे हुए थे ना फर्श पे, ये देखो इस तरीके से पैकिंग हो रखी है इनकी ना, ये बीच में बटर पेपर लगा हुआ है, ये लगा हुआ बटर पेपर। तो भाई हमने तो पहली बार मंगाए हैं, देखते हैं, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो रोटी खा चुकी हूँ छोलों के साथ, थोड़ा घी लगाऊं, चलो अभी सेक के देते हैं बच्चों को ना। तो ये रहा जी इनका खाना। और जी यहाँ पर देखो, मैं सोना को खिला रही थी खाना और ये सब लगे हुए हैं फोन में। और ये देखो मेरे भाई ने कैसे फोन रखा है ना, कि मैं तो फोन देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सो रहा हूँ, तो सब फोन देख रहे थे, इसलिए मैंने म्यूट करा है, क्योंकि सबके फोनों की आवाज आ रही थी। क्या? अरे ऊपर से पांचवा क्लास ही आया था।
तो फ्रेंड्स, अभी हो गया रात का समय और आज मैंने खाने में बनाया दाल चावल और ये थी चने की दाल ना, जो कि मैंने भिगो करके रखी हुई थी। तो सोना को ना कुछ मीठा खाना होता है, तो मैंने कहा चलो इसको ना रोस्ट करके और मैं उसके लिए लड्डू बनाऊंगी। तो आप ना वीडियो पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या करा है। तो ये दाल थी इस तरीके से भिगो के रखी हुई थी, तो मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच मैंने देसी घी डाला कढ़ाई में और मैं इसको भूनने लगी। तो यहाँ मैं इसको भून रही हूँ और ये देखो उधर कुकर में रखे हुए चावल बनने के लिए, दाल बन चुकी है और रोटियां बस खाली अपनी सास के लिए बनाऊंगी मैं, क्योंकि सिर्फ वही रोटियां खाएंगी रात को, वो चावल नहीं खाती हैं और हम सब चावल ही खाएंगे। तो मैंने इसको अच्छे से भुना भाना और फिर मैं से बीच में खा के भी देख रही थी इसको ना, कि अंदर से थोड़ी भी सॉफ्ट ना रहे, बिल्कुल अंदर से भुन जाए अच्छे से ना, जैसे नमकीन नहीं होती खाने में। तो मैं इसको उतना रोस्ट कराया मैंने ना, कि नमकीन जितना ये रोस्ट हो जाए कि एकदम से खाने में बिल्कुल भी कच्चापन ना लगे कि हाँ भाई हमने भिगो रखी थी इसलिए। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से भुना भाना और उसके बाद ना मैंने इसे मिक्सी के जार में डाल के ना पीस लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। तो यहाँ पर हमारी दाल ठंडी हो गई है, ठीक है, अब हम इसे पीसेंगे। तो हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं सारी दाल को, हम इसे पीस लेंगे। तो हम लेंगे एक बाउल और उसके अंदर ये देखो हमने पीस लिया है इसको, तो इसको थोड़ा दरदरा ही रहने देंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दाल में से ना, बहुत ही अच्छी। अगर आप चाहते हैं इसका पाउडर बनाना तो उसको पहले छान लीजिएगा फिर बनाइएगा मिठाई। तो अभी हम इसमें डालते हैं मीठा, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1-2, मैं ऐसी आइडिया से डाल रही हूँ 3 चम्मच। और पीछे ना बच्चों के बहुत चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मैंने फिर म्यूट ही कर दिया है। तो मैं यहाँ आपके बता रही हूँ कि इसको ना हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है बोरा डाल करके ना, तो मैं इसे लड्डू बनाने जा रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो आधा पोर्शन हम बनाते हैं घी डाल करके और आधा पोर्शन हम बनाते हैं दूध डाल करके, और फिर दोनों के लड्डू खा करके देखेंगे कि भाई कैसा टेस्ट आता है। इसलिए तो मैंने ना पहले इसमें घी डाला, तो मैंने 4-5 चम्मच इसमें घी डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करा और फिर ना इसको ऐसे लड्डू बनाने की कोशिश करी मैंने, तो लेकिन ये अभी भी ना ऐसे अच्छे से लड्डू जैसे शेप में आ नहीं रहा था। तो मैंने इसके अंदर फिर 1 चम्मच घी और डाला बाद में कि चलो भाई अब शायद लड्डू बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखो ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मैं ना आपको अपनी गलती भी बता रही हूँ साथ में, और ये बता रही हूँ कि मतलब ऐसा कुछ इतना खास गलत भी नहीं बना था। अगर जिन्हें थोड़ा क्रंची क्रंची सा खाने का शौक होता है ना, जो चाहते कि हाँ कुछ चबाते रहें, उनके लिए तो लड्डू बहुत ही परफेक्ट थे सही में। जैसे कि मुझे अच्छा लगता है खुद ऐसे ना कुछ ऐसे चबाने वाली चीज़ें ना, तो इसलिए देखो अभी ये नहीं बन पा रहा था लड्डू ना, तो फिर मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाला। देखो मीठा है इसके अंदर और चने की दाल को हमने अच्छे से भून रखा है वो है, तो खाने में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था, बहुत ही अच्छा टेस्ट। लेकिन ये कि मैं बता रही हूँ बच्चे किस तरीके से करते हैं ना, तो यहाँ मैंने सोना मेरे पास ही खड़ी है, तो मैंने लड्डू बनाया और लड्डू बना करके फिर मैंने सोना को दिया खाने के लिए कि ले सोना मुझे खा करके बता कि कैसा लग रहा है। तो अभी देखना वो यहीं मेरे पास ही खड़ी है, मैं उसको लड्डू दूंगी खाने के लिए ना, क्योंकि दोनों बच्चे चीख रहे हैं लड़ रहे हैं आपस में ना, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो लड्डू की शेप तो बन गई है। तो यहाँ पर मैंने सोना को दिया खाने के लिए, अभी सोना ने फिर खा के ना रिजेक्ट कर दिया, उसने बोला नहीं मम्मी मेरे दांतों में चुभ रहा है, कुछ और बनाओ इसका। तो जी फिर सारा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, फिर वो दूध डाल के जो बनाना था वो नहीं बनाया मैंने। फिर मैंने क्या किया, सबको ही लिया इकट्ठा करा और इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाला, थोड़ा सा पानी डाला और फिर मैंने इसे हलवा बना दिया, मतलब मैंने इसका ना। और ये थोड़ा मैंने अपने लिए बचाया, क्योंकि मैंने बोला ना मुझे तो अच्छा लग रहा था खाने में, अभी मेरा सामान सारा ऐसे फैला हुआ है क्योंकि मैं खाना बनाते बनाते ही ये बनाने लगी थी इसलिए। और ये देखो तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा, तो हलवा बनाएंगे और फिर देखते हैं बच्चों को खिला करके कि उन्हें कैसा लगता है हलवा खाने में, अगर उसमें भी कुछ कमी लगेगी तो भी फिर इसको थोड़ा और ठीक करेंगे। इसलिए अभी देखते हैं बच्चों को हलवा ही पसंद आता है नहीं आता, आज काम बिगड़ गया मुझसे।
अभी पहले थोड़ा सा हलवा लेते हैं और बच्चों को खिला करके देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई कैसा लग रहा है उन्हें खाने में। ना आ जाओ मेरे साथ। तो फ्रेंड्स मीठा थोड़ा मुझे कम लग रहा है, मैं इसमें मीठा डाल रही हूँ। और तो जी अब देखते हैं इसमें मीठा ठीक है या क्या हुआ है। अब देते हैं बच्चों को खाने के लिए ना। अब तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। सोना बताएगी सही सही, क्योंकि सोना ने पहले उसे खा के बताया था लड्डू को, मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है ना, फूक मार ले कहीं मुंह जल जाए। अब कैसा लग रहा है? गर्म नहीं है। अच्छा अब कैसा लग रहा है खाने में? अब ठीक लग रहा है? अब तो तेरे दांतों में नहीं चुभ रहा। अब इसके लड्डू बना। इसके लड्डू कैसे बनाऊं? हलवे के लड्डू बनाऊं गोल गोल। कह रही हलवे के लड्डू बनाओ गोल गोल। तो अब अच्छा लग रहा है खाने में सोना को? थोड़ा मैं भी खा के देखती हूँ कितने नंबर दूंगी दोस्तों। अच्छा लग रहा खाने में ना? आपके पास है? और उसके लड्डू बनाओ। क्या लड्डू बनाओ उसके? मैं भी थोड़ा लंच कर ले, मैं भी लड्डू बनाऊं। अच्छा मैं भी लड्डू बनाऊं। बताओ तो जाओ। तो अब खाने में थोड़ा ठीक लग रहा है? थोड़ा नहीं, अब अच्छा लग रहा है खाने में। पर घी थोड़ा कम है। अब मैं इसमें और घी डाल भी नहीं रही हूँ वैसे भी ना। 6-7 चम्मच मैंने घी डाला है इसके अंदर, लेकिन अब अच्छा है टेस्ट खाने में ना। अब थोड़ा नैना को भी खिला के देखते हैं, वो तो ऊपर गई है, इसको बुलाते हैं ऊपर से। अच्छा है। थोड़ा बच्चे आप खा लो, खा लो। नैना खा के बता, तो खा के बता दे बस। अब कैसा लग रहा? बहुत अच्छा बना है। अच्छा नहीं बना? अच्छा है वो। तो तू ऐसे क्यों कर रही है? अच्छा तो मैंने कहा कर रहा। नहीं अच्छा लग रहा तेरा खाने में? तुझे अच्छा लग रहा है लग रहा है बता खाने अच्छा में। तो फिर ऐसे हाथ क्यों कर रही है भाई? तो वो अच्छा लग रहा था, मुझे हार्ड हार्ड सा था। वो अच्छा लग रहा था? वो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ये अच्छा लग रहा है? मतलब मैं समझी नहीं तेरी बात को। अब भाई देखो दाल के मोटे मोटे टुकड़े तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने छानी नहीं है ना दाल, इसलिए छानती तो निकल जाते। छान लेती। अब थोड़ा छानेगी, ये तो मैंने ऐसे बना के देखा था। नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करते ना, बैड मैनर्स होते हैं। बाय बाय। Is the rest of the